हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज एक नई रेस के साथ आपसे मिल रहे हैं, एक नई रेस के साथ और एक नए दिन के साथ। तो आज हमारे सामने खड़ी हैं दो बाइकें, एक है यामाहा की आपकी R15 एंड उसी के बगल में खड़ी आपकी हीरो मैवरिक 440। तो इन दोनों के आज हम ड्रैग रेस करने वाले हैं। एकदम अलग यूनिक कॉम्बिनेशन बनाई है आपकी भाई, पूरी फेयर्ड स्पोर्ट बाइक है R15 और जो आपकी मैवरिक है वो भाई नेकेड बाइक है, ओल्ड स्टाइल लुक में एकदम गोल हेडलाइट के साथ आ रही है रेट्रो लुक में। तो इन दोनों के आज हम ड्रैग रेस करने वाले हैं। इन दोनों के इंजन की बात करें तो भाई R15 आपका 155 सीसी विद BBA टेक्नोलॉजी के साथ आता है। अगर बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस की तो भाई R15 में आपको 18 PS का पावर देखने को मिल जाता है और 14.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाता है। वहीं R15 के वेट की बात करें तो 151 kg के आसपास R15 का वेट पड़ता है। प्राइस की बात करें भाई 2,35,000 रुपये ऑन रोड लखनऊ में पड़ती है। वहीं अगर हम बात करेंगे हीरो मैवरिक की भाई, तो उसमें आपका 440 cc का इंजन है जो कि आपको पावर देता है 27 PS का एंड टॉर्क की बात करें तो भाई 36 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देता है। अगर हम उस मैवरिक के वेट की बात करें तो भाई वेट में R15 से कहीं ज़्यादा वेट है उसका, 187 kg का वेट है। अगर प्राइस की बात करें भाई इन दोनों के, तो जैसा मैंने बताया कि R15 आपको 2,35,000 की पड़ती है, वही आपकी मैवरिक का जो टॉप नॉच वेरिएंट आता है वो आपका 2,80,000 के आसपास ऑन रोड लखनऊ में पड़ जाएगा। वहीं अगर बात करेंगे इसका वेस मॉडल तो 2,50,000 के आसपास आपका आपको मैवरिक का वेस मॉडल देखने को मिल जाएगा। तो प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब देखते हैं कि भाई स्पीड में कितना डिफरेंस आता है, कि R15 को अपना पूरा सुपर स्पोर्ट लुक का फ़ायदा मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। तो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, ले चलेंगे आपको सीधा बाइक पे एंड दिखाते हैं आपको ड्रैग रेस। तो इसका भाई मैं ट्रैक्शन वगैरह ऑफ कर दूंगा सबसे पहले, और इसका मैंने ऑफ कर दिया है, इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर दे, ऐसा ना हवा में उड़ जाए R15। ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह दिया गया है इसमें। रेडी मैवरिक निकल गई, स्लिप स्ट्रीमिंग कर देंगे भाई। स्लिप स्ट्रीमिंग करने का हमें लग रहा है मौका ही नहीं देगी वो। भाई इनिशियल में तो बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। मैंने बहुत आराम से बाइक लॉन्च की, बहुत आराम से, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लिया। उसके बाद भी इसने एसडी R15 को पीछे छोड़ दिया। स्विमिंग करने का मौका दे दो भाई मैवरिक, मैवरिक नाम भाई प्यारा उसका। छठवां गियर लगा दिए, और छठवें गियर को आप हनुमान गियर भी बोल सकते हो। 148 चली गई है गाड़ी, 149 भी चली गई है, 150 भी चली गई है होगा। बट एज यू नो कि R15 में लिमिटर नहीं आता, और स्लिप स्ट्रीमिंग करने में माहिर है वो बाइक। तो अगर डिफरेंस इतना रहा होगा इनिशियल में कि स्लिप स्ट्रीमिंग बंदा नहीं कर पाया होगा, तो उसको फिर आगे निकलने में टाइम लगेगा। 51 भी चली गई है, पे जा रही मैवरिक आगे। लिमिटर नहीं लगता जल्दी, रही है तो ऑलरेडी R15 की जो टॉप स्पीड है उसको ये मैच कर रही है। बाकी देखते हैं R15 आगे निकलती है नहीं निकलती है। 3, 4
यही तो खेल है आरन फाइव का। गलती कर दी, देखिए ये आगे निकली आरन फाइव। कोशिश करता हूँ मैं भी स्लिप स्विमिंग करने की, क्या स्लिप स्विमिंग करके आरन फाइव को बीट कर पाऊंगा। मैं कर दूंगा यार, कर दूंगा, बहुत आराम से कर दूंगा, बहुत आराम से कर दूंगा, क्योंकि आगे निकलने के बाद वो बैठ जाती है भाई। स्लिप स्ट्रीम लगा लो फिर, खींचे रहो भाई। यही तो खेल है आर वन फाइव का, स्लिप स्ट्रीमिंग लगा लो, खींचे रहो। टाइम भी दिया। हाँ हाँ बहुत लंबी, हाँ बहुत लंबी खींच दी। 155 के बाद भी थोड़ी देर में आगे निकली, फिर पीछे हो। हाँ 155 गई थी स्लिप स्ट्रीमिंग करने पे। तो अभी हम राइडर चेंज करेंगे। हाँ अरे तो भाई कहाँ वो कहाँ ये 150 गई। हाँ तो क्या कहते हैं कि हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि स्लिप स्ट्रीमिंग कर लेना आप भी, क्योंकि बिना स्लिप स्ट्रीमिंग के भी हो गया ना, बिना स्लिप स्ट्रीमिंग के देखो तुरंत पीछे चली गई। रेडी स्ट्रीमिंग का मौका भाई हमने उनको दिया है थोड़ा सा, और अब देखते हैं। भाई कोशिश तो कर रहा हूँ स्लिप स्ट्रीमिंग करने की, पर देखो कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, गैप बहुत बन गया है। चीज और हाँ, मैं किसी बाइक के लिए कोई हेट नहीं रखता यार, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है कि किसी को कोई बाइक पसंद है, किसी को कोई बाइक पसंद है। तो ये चीज़ कभी ना रखो कि हाँ मेरे पास आर वन फाइव है तो आर वन फाइव बेस्ट है, जो बेस्ट है भाई वो बेस्ट रहेगा। इतने गैप के साथ स्लिप स्ट्रीमिंग करना बहुत मुश्किल है, देखते हैं क्या पता हो ही जाए। लिमिटर में आ रहा है आपका, उसको 45 पूछते स्लिप स्ट्रीमिंग कर पाए कि नहीं कर पाए। क्या हुआ भाई? भाई और गाड़ी नहीं थी रास्ते में। मेरी तो लगी नहीं होगी। तुम्हारी आगे निकल गई। हाँ और कोई कार दिखी नहीं रास्ते में।
कितना गई कितना गई? वो कहते ना डूबते को तिनके का सहारा होता तो आगे निकल जाते, आगे निकल जाते। 145, 146। हाँ ये तो भाई 151 का ही। तो भाई ये थी ड्रैग रेस, और आप लोग बताओ आप लोग को रेस कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, राइड सेफ, राइड हार्ड।